सो गाइस, अभी चल रहा है वेडिंग का सीजन और वेडिंग के सीजन में काफी सारे क्लॉथ्स आप परचेज करते हैं, लाइक शर्ट, पैंट और उसके साथ ब्लेजर। तो दोस्तों, अगर आप अभी कोई ब्लेजर परचेज करने की सोच रहे हैं कि कौन सा ब्लेजर परचेज करें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, तो दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूँ हैंगअप का एक ब्लेजर जो कि जोधपुरी ब्लेजर है, जो कि काफी गजब की क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों करेंगे इस वीडियो के अंदर उसी की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, क्या मटेरियल यूज किया गया है और किस प्राइस के ऊपर मैंने इसको परचेज किया है। तो कंप्लीट इसी हैंगअप ब्रांड के ब्लेजर के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें यार, और वीडियो को जरूर लगे लाइक कीजिए यार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इतना सा काम कीजिए, बाकी वीडियो देखते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास मिला है फ्लिपकार्ट का पार्सल और दोस्तों इसमें है हैंगअप की तरफ से आने वाला ब्लेजर। उसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है और क्या आपको हैंगअप का कोई भी ब्लेजर परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बाहर निकालते हैं और दोस्तों बाहर निकालते हैं यहाँ पर आपको सेकेंडरी पॉलीथीन के अंदर ये ब्लेजर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हैंगअप सेकेंडरी पॉलीथीन के ऊपर और दोस्तों बाहर निकालते हैं इस ब्लेजर को इस सेकेंडरी पॉलीथीन से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नेवी ब्लू कलर के अंदर आपको ये आपको ब्लेजर देखने को मिलता है, जो कि काफी गजब का कलर और काफी रॉयल कलर यहां पर देखने को मिलता है, नेवी ब्लू कलर। तो दोस्तों फ्रंट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये ब्लेजर देखने को मिलता है, फ्रंट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये ब्लेजर देखने को मिलता है और बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये ब्लेजर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको गोल्डिश कलर के अंदर फ्रंट में आपको 1, 2, 3, 4, 5 करके 8 बटन दिए गए हैं, जिसको आप बटन करके आप इसको कंप्लीट वेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कफ दिया गया है जिसमें दोस्तों आप जेब भी हैं, यहाँ पर जेब में कुछ भी रख सकते हैं आप, चिलर वगैरह। और उसके बाद जिसकी स्लीव की बात करें, तो स्लीव भी आपको फुल स्लीव के साथ, उसके ऊपर भी आपको एक गोल्डन बटन दिया गया है ओनली डिज़ाइन के लिए, दोनों स्लीव देखने मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों साइड में आपको पॉकेट देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है, आप अपना मोबाइल केयर कर सकते हैं या फिर अपना वॉलेट केयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अंदर की तरफ देखते हैं आपको और भी पॉकेट वगैरह देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर अंदर की तरफ भी आपको एक इंटरनल पॉकेट देखने को मिलता है, जो कि काफी छोटा है, बट दोस्तों इसमें आप कुछ भी केयर कर सकते हैं। और दोस्तों अंदर की तरफ यहां पर हैंगअप की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है और दोस्तों साइज वगैरह यहां पर बताया गया है 36 साइज है इसकी, जो कि दोस्तों मेरे को आराम से फिटिंग आती है, एक काफ़ी गजब की फिटिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू यही कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों तरफ आपको पॉकेट देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा और भी बटन दिया गया है, जो कि दोस्तों कहीं से निकल के गिर जाता है तो ये आप लगा सकते हैं। अंदर की तरफ आपको ये दिया गया है और यहाँ पर और भी एक पॉकेट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, दोनों साइड में और दोनों लेफ्ट और साइड में बाहर भी और अंदर भी आपको पॉकेट देखने को मिलते हैं इस ब्लेजर के अंदर। बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मटेरियल है बार की तरफ, जो कि एक पूरा लाइक्रा ब्लेंड प्लस आपको इसमें मिलता है पॉलिस्टर। तो दोस्तों लाइक्रा ब्लेंड काफी कम मात्रा में इसमें यूज किया गया है और पॉलिस्टर काफी ज्यादा यूज किया गया है, इसमें पॉलिस्टर है, बट दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा टेक्सचर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आपको डायमंड कट के अंदर टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों इस जो ब्लेजर है इसकी जो लुकिंग है वो काफी गजब की देखने को मिलती है। यहाँ पर फोटो में भी आप देख सकते हैं और मैं भी पहन के आपको वीडियो के अंदर, तो काफी गजब का यहां पर ये जैकेट देखने को मिलता है। और दोस्तों यहां पर राउंड नेक के साथ ये देखने को मिलता है, जो कि जोधपुरी की खासियत होती है, वो राउंड नेक के अंदर और पूरा पैक होता है और ये पूरी काफी गजब की आपको फिटिंग के साथ ये जोधपुरी ब्लेजर देखने को मिलता है हैंगअप की तरफ से। अगर दोस्तों बात करें इसके अंदर के मटेरियल के बारे में, तो दोस्तों अंदर आपको ओनली ये पॉलिस्टर का ये एक स्मूथ कपड़ा है वो देखने को मिलता है और अंदर आपको और भी जो मटेरियल है जो इसी क्लॉथ से बना हुआ मटेरियल है वो इसके अंदर लगाया गया है। अदरवाइज दोस्तों इसमें कोई भी अदर एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी यूज किया गया नहीं है, बस ओनली पॉलिस्टर का है इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाइक्रा ब्लेंड और पॉलिस्टर दोनों मिक्स हैं, अदरवाइज दोस्तों इसमें कोई भी ज्यादा कोई भी अलग मटेरियल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं अगेन आपको पहन के बताता हूँ कि कैसी पहनने के बाद आपको लुकिंग देखने को मिलती है, अदरवाइज यहाँ पर वीडियो में भी आप देख रहे होंगे पहनने के बाद कैसी लुकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी गजब की फिटिंग, काफ़ी गजब की यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर शोल्डर से देख सकते हैं फिटिंग, दोनों तरफ शोल्डर पर फिटिंग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी गजब की फिटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो डेफिनेटली हाईली मैं रिकमेंड करूंगा। नीचे अमेजोन की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर आप परचेजिंग करते हैं और परचेजिंग करने के बाद अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये मैंने परचेज की है 2079 रुपीज़ के अंदर, 2079 रुपीज़ के अंदर मैंने इसको परचेज की है। तो डेफिनेटली आप भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। एक एवरेज क्वालिटी, काफ़ी गजब की क्वालिटी है और डेफिनेटली गुड। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।